नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके अंतर्गत काम करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो कि धनबाद में स्थित है। इसमें वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिनके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CIMFR 2/2020 और इसके फॉर्म की लास्ट डेट है 25 जुलाई। 25 जुलाई तक आप ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे और आपका फॉर्म जाएगा धनबाद में। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको CIMFR के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं वहां काम करने का मौका मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और आपको सैलरी भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलने वाली है। इसमें जो वैकेंसी आई है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की और टोटल वैकेंसी है 23। सैलरी आपको मिलेगी 35,400 वाले ग्रेड में और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 45,000 रुपए महीने। अनुमानित ग्रोथ सैलरी आपकी लगभग 45,000 रुपए महीने रहने वाली है पे मैट्रिक्स लेवल 6 में, और अपर एज लिमिट है 28 साल, जिसमें छूट एज पर रूल दी जाएगी। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट वाइज आई हुई है। पहली वैकेंसी है जियोलॉजी की, जिसका पोस्ट कोड है TA-GEO-20। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास BSc कर रखी हो जियोलॉजी के साथ में एज ए सब्जेक्ट। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दिए गए फील्ड में। फील्ड कौन कौन से हैं वो आप सुन लीजिए। वो जियोलॉजिकल डाटा ऑफ एक्सप्लोरेशन हो, या फिर सॉइल, कॉल, मिनरल, वाटर सैंपल प्रिपरेशन हो, एनालिसिस एंड हैंडलिंग ऑफ लैब इक्विपमेंट लाइक AAS, आयन क्रोमेटोग्राफ, फ्लेम फोटोमीटर, UV-VIS, GC-ICP, कोल करेक्टरेशन, रॉक मैकेनिक्स, रॉक टेस्टिंग, डिजाइन एंड मॉनिटरिंग, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें टोटल वैकेंसी 5 आई हुई है, जिसमें 3 है जनरल की, 1 है OBC की और 1 आई हुई है SC की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी 5 वैकेंसी आई है, 3 जनरल, 1 OBC, 1 SC। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास BSc कर रखी हो केमिस्ट्री के साथ, और साथ ही केमिस्ट्री के फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जिसमें नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ एनालिसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, ऑपरेशन एंड सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल एंड मिनरल्स टेस्टिंग, एनालिसिस बाय यूजिंग कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टराइजेशन टेस्ट, स्क्रीनिंग, वॉशेबिलिटी स्टडीज ऑफ कोल, ये आपके एक्सपीरियंस के फील्ड हैं। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी की वैकेंसी आई है 2, इसमें 1 है EWS की और 1 है ST की। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास BSc कर रखी हो जूलॉजी के साथ में, और BSc जूलॉजी के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनिमल सैंपलिंग, इसके अलावा एनालिसिस प्रिपरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, फौना एंड फ्लोरा, GIS मैपिंग, सॉयल एनालिसिस, इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं माइनिंग इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है 7, इसमें 4 है जनरल की, 2 है OBC की, 1 आई है SC की। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो 3 साल का हो या फिर 12th के बाद 2 साल का हो या इसके इक्विवेलेंट हो, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो आपने या तो 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या फिर कम से कम 2 साल का या इसके इक्विवेलेंट, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी 1 आई है EWS की, आपके पास फर्स्ट क्लास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है 2, 1 OBC की, 1 जनरल की। इसके लिए आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है OBC की, इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट में छूट SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की दी जाएगी, और उन्हीं वैकेंसी के लिए दी जाएगी जो उनके लिए रिजर्व हैं। बाकी जो CSIR की लैब में काम करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की और एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये, ये आपको www.cimfr.nic.in पर जमा करानी होगी। आपकी फीस जो है वो ऑनलाइन जमा होगी, उसके बाद एक पर्ची निकलेगी, वो पर्ची आपको प्रिंट करवानी होगी, उस पर्ची को आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब आपको बताए थे कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो आप हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर www.cimfr.nic.in वैकेंसी पे जाके वहां से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको भरना है
और उसके साथ अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो फीस की पर्ची भी लगानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपी फोटोकॉपी लगानी है और उसको भेज देना है दिए गए पते पर। पता क्या है वो आप सुन लीजिए। पता है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च बरवा रोड धनबाद 826001 झारखंड। और ये आपको 25 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। जो एनवेलप होगा जिसमें आप फॉर्म रख के भेजेंगे उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम और पोस्ट का कोड आप लिखेंगे, साथ ही एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखेंगे। तो आपको क्या क्या भेजना है, अपना भरा हुआ फॉर्म भेजना है, फॉर्म के साथ अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो फीस की पर्ची भेजनी है, इसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवानी है, उसके ऊपर अपने साइन करने हैं फोटोकॉपी के ऊपर, उसको फॉर्म के साथ लगाना है और भेज देना है। जो फीस की रसीद है उसकी आप एक फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना। ये आप रजिस्टर डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे और कोई माध्यम स्वीकार नहीं होगा और ये 25 जुलाई तक पहुंच जानी चाहिए। और फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है वो आप सुन लीजिए। अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो 100 रुपये की बैंक की रसीद, इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के और अपने डेट ऑफ बर्थ यानी 10th का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जहां मांगा गया है वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और SST OBC EWS या फिर PWD है तो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे आप और उस पर साइन करेंगे, इसके अलावा एनेक्सेसर 1 और 2 दोनों भरे हुए होने चाहिए और 2 अपना खुद का पता हुआ लगा लिफाफा आप भेजेंगे यानी एनवेलप भेजेंगे जिस पे आप अपना खुद का पता लिखेंगे, उसको जो मेन एनवेलप होगा जिसमें फॉर्म भेजा जा रहा है उसके साथ ही मोड़ के रख देंगे, इसमें भी 22 रुपए की टिकट आप लगाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या लगाना है। आपको फॉर्म भेजना है, फीस भेजनी है और डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, साथ ही आप 2 एनवेलप लेना, उनके ऊपर पोस्ट ऑफिस से 22 रुपए की टिकट लगाना उनके ऊपर और अपना पता लिख देना क्योंकि आपका एडमिट कार्ड उसी में आएगा, तो अपना पता सही से लिख देना और उसको मोड़ के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ एक बड़े लिफाफे में डाल के भेज देना। पता हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो कैंडिडेट को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट जो है उसके बारे में आपको वेबसाइट के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। साथ ही ये थी जानकारी CSIR CIMFR में जो वैकेंसी आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की उनके बारे में। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 जुलाई और फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑफलाइन, ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा और रजिस्टर डाक या फिर स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना होगा। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी सरल भाषा में। धन्यवाद।